हादसे में कट गए दोनों पैर, फिर भी जिंदगी की बेहद कठिन घड़ी में हार नहीं मानी। आज महिला सशक्तिकरण की नई रोल मॉडल हैं ये महिला सिपाही। वो कहते हैं ना कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस बात को सही साबित करके दिखाया है बिहार के कटिहार की इस महिला सिपाही ने। इनका नाम है विभा कुमारी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बेहद कठिन घड़ी में भी खुद को हारने नहीं दिया। 7 दिसंबर साल 2019 को कटिहार BMP-7 से छुट्टी के दौरान अपने घर जाते समय बख्तियारपुर जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से विभा के दोनों पैर कट गए थे। इस हादसे ने विभा के अरमानों पर गहरी चोट दी। इस हादसे की वजह से विभा की जिंदगी ही बदल गई। छुट्टी जा रहा है तो ट्रेन से उतरने के टाइम में ट्रेन के नीचे गिर गई, उसी में मेरा दोनों पैर कट गया। ये कब हुआ था? 7 दिसंबर 2019। अच्छा, ये उससे पहले आप किस, उससे पहले ही विभाग में आ गए थे? उससे पहले ही 2015 में ही ज्वाइनिंग किए हैं। किस पद में सिलेक्शन हुआ था? सिपाही में। सिपाही, उसके बाद कैसे फिर अपने आप को उबारे, कैसे संघर्ष करके कैसे खड़ा हुए फिर आपने? बहुत संघर्ष करना पड़ा। जख्म ठीक होने के बाद प्राकृतिक पैर तो चला गया, उसके जगह पर कृत्रिम पैर लगा रखी थी, सेल पैर। इसी के सहारे धीरे धीरे प्रयास के चल फिर रहे हैं। दोनों पैर? हाँ, दोनों पैर कट गया था। कहाँ हुआ था ये? बख्तियारपुर जंक्शन। अच्छा, तो ट्रेन से उतरने के बाद हुआ जी। अभी कहाँ पर पोस्टेड है? बिहार सैन्य पुलिस 7 कटिहार। क्या काम लिया जाता है? काम क्या करते हैं? चाइल्ड केयर में बच्चे को देख रेख करना है। ड्यूटी के दौरान जो महिला रहेगी वो बच्चा छोड़कर यहाँ जाएगी, उसको देख रेख करना है। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी देख उसी समय हमको ड्यूटी अपना करेगी, हम यहाँ बच्चा देख रेख करेंगे। तो बंदूक संभालने आए थे और यहाँ अपने ही जो कलीग्स हैं उन लोग को बच्चे को संभाले, कितना संतुष्ट है काम से? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो है। अब जो विधाता का मेरा लिखा हुआ वही हुआ, तो इस लायक भी उनका अभी भी पूरे पहले की तरह जुनून है कि पहले की तरह हम चले बोले काम करें। एक महिला दिवस है, महिलाओं के लिए बड़ा दिन है, क्या संदेश देना चाहिए महिलाओं के लिए? अक्सर महिला अपने आप को अबला समझती है, कमजोर समझती है, कैसे क्या संदेश देना? अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो भी परिस्थिति अपना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या? महिला सिपाही 608 विभा कुमारी। विभा को लगने लगा कि जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बेहद लंबे इलाज के बाद आखिरकार वह फिर से खुद को मजबूत बनाते हुए वापसी करने में सफल रहीं। अपने मजबूत हौसलों के साथ वह ड्यूटी पर तो लौटी और अब वह BMP-7 में चाइल्ड केयर यूनिट में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। कटिहार पुलिस लाइन चाइल्ड केयर यूनिट में मुख्य संचालिका की जिम्मेदारी संभालने वाली विभा कुमारी मूल रूप से नालंदा जिले से हैं। साल 2015 से ही वह BMP-7 में पोस्टेड हैं। दरअसल नौकरी की व्यस्तता के चलते महिला सिपाही अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पाती हैं। उनकी केयर नहीं कर पाने को लेकर वे बहुत परेशान रहती हैं। ऐसे में विभा कुमारी न सिर्फ एक जिम्मेदार सिपाही की तरह अपनी ड्यूटी निभा रही है, बल्कि बच्चों के साथ घुल मिलकर उनकी देखरेख भी करती हैं। खुद महिला सिपाही भी मानती हैं कि ड्यूटी के साथ बच्चों को संभालने के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब चाइल्ड केयर में जिस तरह से बच्चों को संभाला जा रहा है उससे उन्हें मदद मिल रही है। कमांडेंट की पहल पर चाइल्ड केयर यूनिट बनने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इतने बड़े हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद विभा बुलंद हौसलों के साथ अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा रही हैं। ऐसे में बाकी महिला सिपाही
अपने बच्चों को लेकर खुद निश्चिंत रहती हैं। उनको यही लगता है कि उनके बच्चे अपनी मौसी के पास हैं। आज विभा कुमारी की कहानी वाकई उन महिलाओं के लिए बेहद प्रेरक है जो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।